ओम शांति। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो कि बाबा की मुरलियों में आती है। कहानी का नाम है तोता राम। एक व्यक्ति को तोता पालने की बड़ी इच्छा थी, सो उसने तोता खरीदा और उसे प्यार से पालने लगा। वह उसे तोता राम के नाम से पुकारता था। तोता राम भी बड़ा होशियार था। उसके सामने कोई भी बात कहो तो उसे उसी अंदाज में दोहराता था। तोता राम को बातों का अर्थ नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन जो सुनता था उसे दोहराता रहता था। एक दिन तोता राम नल पर बैठकर उसे घुमा रहा था, जिस कारण पानी टपक रहा था। पानी को व्यर्थ बहता देखकर उसके मालिक ने कहा, तोता राम नल पर मत बैठो। तोता राम ने वही बात दोहराई। तोता राम नल पर ही बैठकर बोल रहा था, तोता राम नल पर मत बैठो, तोता राम नल पर मत बैठो। इसका आध्यात्मिक भाव है, भक्ति मार्ग में पूरी गीता को आधे घंटे में दोहराने वाले भी हैं, तो गीता को घंटों भाषण करने वाले भी हैं। लेकिन बाबा इन सभी को तोते माफिक कहते हैं, क्योंकि वह केवल कंठ किया हुआ पाठ पढ़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ तथा आध्यात्मिक रहस्य नहीं जानते। वर्तमान समय परमात्मा शिव सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का सार सुनाते हैं एवं आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट करते हैं, जिसे हम अपने जीवन में सहज धारण कर सकते हैं। ओम शांति।